साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोभ चौधरी। साथियों आज अपन बात करेंगे सऊदी से रिलेटेड कुछ भाइयों के कमेंट थे, मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करने साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर रोज नई टॉपिक पे नई जानकारी आपको मिलती रहे, जिससे आपको सही मोटिवेशन मिले, सही गाइडेंस मिले। और बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो डालूं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं। शाहरुख खान सभी बोलते हैं, हर जी सर नमस्कार, मेरा नाम शाहरुख खान सभी है, मैं सऊदी अरबिया जाना चाहता हूँ बट मेरी आज ई साइड वीक है, मैं चश्मा यूज करता हूँ, क्या मैं मेडिकल में पास हो सकता हूँ, प्लीज बताइए। भाई देखिए, आपकी एक साइड वीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेडिकल अनफिट हो। वहाँ जो मेडिकल होता है उसमें आपको अक्सर दिखाते हैं, थोड़ी दूरी पे अक्सर दिखाते हैं, एक पास का अक्सर होता है, एक थोड़ा दूर का होता है। वो दोनों को अगर आप फाइट कर लेते हो, उनको बता देते हो पढ़ के, तो आप मेडिकल में फिट हो जाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। या हो सकता है थोड़ा आपको रेफर कर दें, 5-10 दिन की दवाई देके वापस आप फिट हो सकते हो, इतना कोई इशू नहीं है। हरी रूनी वाला बोलते हैं, सर ओपन वर्क वीजा होता है क्या, रिन्यू होता है क्या, जिसमें एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में काम कर सकते हैं क्या? भाई देखिए मैं बता दूं, आजाद वीजा कोई कंपनी नहीं देती, बस इतना होता है कि वो वीजा कंपनी का ही होता है, कंपनी पैसा देके वीजा उसको भेज देती है, फ्री कर देती है, फिर अपनी मर्जी आप कहीं काम करें, कहीं रिन्यू करवाएं, कोई इशू नहीं होता है। ठीक है भाई। ओम सिंह बोल रहे हैं, ओमान से इंडिया वापस बिना पासपोर्ट कितने दिन में जा सकते हैं, 1 महीना 3 महीना, या सर बताइए। भाई देखिए, अगर आपके पास पासपोर्ट या तो गुम गया, दूसरा बना लो, पासपोर्ट में वीजा लगा हुआ है, दूसरा पासपोर्ट बन जाएगा, या फिर है कि कंपनी आपने छोड़ दिया, फल्ली बल्ली हो गए, तो कंपनी आपको पासपोर्ट नहीं दे रही है, तो आप वहाँ की सुरक्षा जो पुलिस होती है उसके अंडर आप आना पड़ेगा। कम से कम 1 महीने में आप इंडिया आ सकते हो, आउट पास लगवा के, स्पेशल पास जो बनता है वहाँ की, 24 घंटे 3 महीने की वैलिडिटी का पासपोर्ट होता है, उससे आप इंडिया आ सकते हो 1 महीने में, टिकट आपकी लगेगी। ठीक है भाई। प्रदीप जांगड़ बोलते हैं, सर कारपेंटर की जॉब के लिए विदेश में इंग्लिश बोलना जरूरी होता है क्या जॉब के लिए? प्रदीप जांगड़ भाई, अगर इंग्लिश कारपेंटर एक लेबर आदमी है, अगर इंग्लिश बोलेगा तो वहाँ क्यों जाएगा यार? लेबर क्लास आदमी को इंग्लिश बोलने की क्या जरूरत पड़ती है? ये कोई कंडीशन नहीं होती कि इंग्लिश आती है तो ही आप वहाँ पे जॉब कर सकते हो, इतना इशू नहीं है। आपको भाषा आती नहीं है, आपकी कोई इशू नहीं है, आप वहाँ पे जॉब कर सकते हो, इंग्लिश का कोई इशू नहीं रहेगा। आशीष कुमार बोलते हैं, सर 10th फेल होने के पासपोर्ट कैसे बनेगा सर प्लीज? भाई देखिए, पासपोर्ट में 10th पास का फेल का कोई इशू नहीं है। 10th पास होने का मतलब होता है आपका पासपोर्ट ECNR बन जाएगा, जिसमें इमिग्रेशन चेक रिक्वायरमेंट नहीं होगा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। 10th फेल हो गए तो पासपोर्ट बन जाएगा, लेकिन उसमें इमिग्रेशन होगा, तो इतना इशू नहीं है कि पासपोर्ट नहीं बन सकता, पासपोर्ट आराम से बन सकता है, पासपोर्ट बनवा लीजिए। आखिर बार बोलते हैं, सर मेरी बैंक पासबुक में पूरा नाम नहीं है, पासपोर्ट आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, बैंक पासबुक नेम चेंज हो जाएगा? भाई देखिए, पासबुक नेम और पासपोर्ट का कोई इशू नहीं है, कोई जरूरत नहीं होती, अलग अलग नाम में कोई जरूरत नहीं पड़ती। यदा तो नहीं कि पासपोर्ट बनते ही आपकी पेंशन स्टार्ट हो गई, वो नाम मिसप्लेस हो गया तो आपकी पेंशन नहीं आएगी, कोई इशू नहीं। विदेश में जाओगे तो वो अकाउंट चलेगा नहीं, ठीक है, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, चेंज जैसा है वैसा आप पढ़े रहने, तो कोई इशू वाली बात नहीं होगी। राकेश रईस खान बोलते हैं, सर जिप्सम कारपेंटर में मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है, मैं रेडी हूँ, लेकिन पासपोर्ट में डेट ऑफ बर्थ 15/7/2000 है, मैं अप्लाई कर सकता हूँ? भाई 2000 का मतलब 2019 है यार, 19 साल के हो चुके हो, 18 साल बाद में बंदा अप्लाई कर सकता है, वो जा सकता है, कोई भी बनती, सिर्फ कुवैत को छोड़ के, उसमें 21 साल की होती है, बाकी आप जाओ कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है भाई। शशि कुमार बोलते हैं, प्लीज अपनी हर पोस्ट में एज के बारे में जरूर बताएं। भाई बिल्कुल बताएंगे एज के बारे में, पहले तो बताए थे, 5 साल वीडियो में मैंने नहीं बताया, लेकिन सीधी सी बात है यार, 18 साल से 45 साल लगभग एज कंपनियां मांगती हैं, बाकी हर वीडियो में आगे बता दूंगा, तो आपका सजेशन अच्छा है। जावेद अंसारी बोलते हैं, इनका सवाल अजीब है, शायद इनको प्रॉब्लम होगी, मेडिकल फिट करने के कई तरीके हैं, लेकिन मेडिकल को अनफिट करने का कोई तरीका है क्या? भाई हाँ, तो आपको जबरदस्ती घर वाले विदेश भेज रहे हैं, आप जाना नहीं चाहते, समझ रहे हो, ये रीजन हो सकता है, आपकी नींद नहीं होगी जाने की, इसलिए आप सोच रहे हो कि मेडिकल अनफिट हो जाऊंगा तो जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेडिकल अनफिट को फिट करने के तरीके नहीं होते, समझ गए, वो तो एक ट्रीटमेंट दवाई वगैरह लीगल तरीके से हो सकता है, लेकिन फिट को अनफिट कैसे किया जा सकता है? जहां से आपने मेडिकल करवाया वो आपने फिट अनफिट कर दिया, कल को उस पर कोई दावा करेगा तो उसको नौकरी नहीं करनी, उसको जुर्माना कितना भरना पड़ेगा? तो अनफिट को फिट किया जा सकता है, फिट को अनफिट नहीं किया जा सकता, अपने हिसाब से आप देख लें। एसके सभी बोलते हैं, सर मैं सऊदी में रहता हूँ, मेरा पासपोर्ट खो गया है, मुझे इंडिया आना है, कैसे आऊँ कुछ बताइए ना सर प्लीज, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। भैया देखिए, बात सीधी नहीं बोलते आपको,
पासपोर्ट होता, अगर हो गया तो पासपोर्ट दूसरा बन जाएगा ना, क्योंकि आपके पासपोर्ट में वीजा लगा हुआ है, लेकिन आप हकीकत ये नहीं बताते कि मैं जहाँ हूँ वहां से नौकरी छोड़ के इंडिया आना चाहता हूँ। आप यहाँ तो कपिल के पास है, वो पासपोर्ट नहीं देना चाहता क्योंकि उसका एग्रीमेंट जितना है उतने उससे पहले आप आ रहे हो, या जिस कंपनी में है उसको छोड़ के आपको जल्दी कराना है, समझ गए बात को। तो सुरता में जाओ, पुलिस को अरेस्ट सरेंडर कर दो, कंपनी छोड़ के भाग गया तो आपका जो भी कंपनी है वो आपके खिलाफ FIR करवाएगी वहां पे, फिर आप एक डेढ़ महीना जेल में रहेंगे, अपनी टिकट बना के इंडिया आ जाओ। और पासपोर्ट खो गया तो दूसरा बन जाएगा, इसका समाधान पासपोर्ट की कॉपी, पासपोर्ट लगा हुआ होना चाहिए, एम्बेसी जाओ, दूसरा वीजा पासपोर्ट लग के आ जाएगा आपका, ठीक है भाई। तो इस्लाम बोलते हैं सऊदी अरबिया में जाने के लिए कितनी एज लिमिट होनी चाहिए? 18 के बाद कोई भी जा सकता है। रेस वाले बहुत मैसेज आ रहे हैं मेरे पास, 18 के बाद कोई भी जा सकता है। रमजान खान बोलते हैं सर मैं 11 साल पहले सऊदी अरबिया गया था, आउट पासपोर्ट से वापस आया था, वहां आंखें और हाथ के स्कैन हुआ था, क्या मैं अभी सऊदी जा सकता हूँ? इसके बारे में बताइए। आपको शुभ चिंतक भाई, देखिए आप सही तरीके से इंडिया आए हो तो 5 साल का ब्रेन लगता है, 5 साल के बाद आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने वहाँ गलत काम किया है, जेल काट के आए हो, तो आपके लाइफ टाइम सऊदी बैन हो सकता है। तो आप देख लीजिए कौन सा तरीका है। खान ब्रदर्स बोलते हैं सर मेरा नाम हामिद खान है, मैंने ओमान के लिए मेडिकल करवाया था दिसंबर में, तब मैं फिट था, लेकिन अब मैंने फिर से मेडिकल कराया, उसमें एक्सरे में दाग आ रहा है, 10 दिन की दवा भी ली लेकिन फिर भी अनफिट आ रहा है, क्या करूं भाई? देखिए 20-40 है ना, भगवान ने बनाई, इसका कोई रोल कुछ नहीं कर सकते। अभी अपन फिट है, दूसरे दिन पता लग गया, कल तो अपन चाय पी रहे थे, आज वो खत्म हो गया अक्सर, मतलब कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब है पहले आपने मेडिकल कराया उसमें आप फिट थे, अब आप अनफिट आ रहे हो, इसका मतलब ज्यादा टाइम नहीं हो, आपकी प्रॉब्लम एक्सरे में दाग है, उसका लंबा ट्रीटमेंट लीजिए, 10 दिन में ठीक नहीं होगा, 2-3-4 महीने आपको ट्रीटमेंट लीजिए, आप आराम से ठीक हो जाओगे, क्योंकि शॉर्टली टाइम की आपकी ट्रीटमेंट, ये जो बीमारी है वो जल्दी ठीक हो सकती है, तो इसका ट्रीटमेंट लीजिए। तो भाई ये सऊदी से रिलेटेड आप भाइयों के क्वेश्चन थे, मैंने आंसर दिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर देना, चाहे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर रोज नए टॉपिक पे सही जानकारी, सही मोटिवेशन आपको मिलता रहे। और साइड में जो बेल आइकन का प्रेस है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।